गाइस, अगर आप अपने वीवो की फ़ोन के अंदर फंटस OS 10 को इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखो। चाहे आप 10 साल पुराना फ़ोन ही क्यों ना इस्तेमाल करते हो, लेकिन उस फ़ोन के अंदर भी आपको फंटस OS 10 जो एंड्रॉइड 10 बेस्ड होने वाला है वो आपको आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो बहुत ही आसान तरीकों से। मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि मेरे फ़ोन के अंदर फंटस OS 10 है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं और सिस्टम अपडेट के अंदर चलते हैं। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद तो ये आप सिर्फ सिस्टम अपडेट और लो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फंटस OS 10 आपको देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने फ़ोन के अंदर फंटस OS 10 को इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है, आपको बताऊँगा। ज़रा धीरज रखो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना। सो क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में लाइक कर देना, अदरवाइज लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे मैं फिर से आपको चेक कर दे रहा हूँ, सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद, सिस्टम अपडेट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर फंटस OS दिखा रहे। लो थम्स अप मारो गाइस, फंटस OS मैंने इंस्टॉल कर लिया। चाहे आपके पास अगर वीवो की फ़ोन है तो आप फंटस OS को इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत आसान है गाइस, फंटस OS 10 बहुत ही मज़ेदार UI है जो कि कोई नहीं बताएगा, और आपके फ़ोन के अंदर ऑफिशियली आप इंस्टॉल कर सकते हो। कोई रूट करने की ज़रूरत नहीं है और TWRP को किसी भी प्रकार की चीज़ को करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बस मैंने कई सारे स्टेप्स को फॉलो किए हैं, यहाँ पे आप भी फॉलो करो और आपके फ़ोन के अंदर हो जाएगा। गाइस, सबसे पहले आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फाइल मिलेगा, तो उस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। फंटस OS 10 की आपको एक फाइल मिलेगा, उसको डाउनलोड करने के बाद और एक फाइल मिलेगा वीवो थीम एडिटर, उसको डाउनलोड करना है। और उसके बाद आगे की प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ब्राउज दिख रहा है बीच में, ब्राउज आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, और उसके बाद डाउनलोड आपने जिस फोल्डर के अंदर डाउनलोड किया है तो डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आप मेरे फ़ोन के अंदर डाउनलोड फोल्डर ढूंढता हूँ, और उसके बाद देखते हैं डाउनलोड फोल्डर किधर है। भाई निकल जा, तो डाउनलोड फोल्डर है, और उसके बाद देख सकते फंटस OS 10 यहाँ पे दिखा रहा है .itz, आपको नहीं दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे फंटस OS 10 यहाँ पे ओके कर देना, और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर देना। आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो प्रीव्यू कर सकते हो कि आपका जो थीम है वो कैसा दिखने वाला है। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप चाहो तो इसे एक एक करके ट्राई कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देख सकते हो, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, शेयर नहीं करने वाला हूँ। तो आपको नीचे मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीचे फिनिश का एक ऑप्शन दिखने को मिल रहा है, तो आपको फिनिश के आइकन पर क्लिक कर दें और ये लोडिंग हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो थीम है वो अप्लाइड हो चुके हैं, यानी फंटस OS 9 से फंटस OS 10 तक कन्वर्ट हो गया आसान तरीकों से। कैसे, अब देखो अपने फ़ोन के अंदर। सो यहाँ पे थीम के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मी के ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, तो मी के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको जो पॉपुलर थीम होते हैं, लोकल थीम होते हैं, तो उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे MIUI फंटस OS 10 की यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर दो। और उसके बाद देखो आप, उसके बाद पूछो ही मत भाई, यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आप चेक करो कि आपने आपके फ़ोन के अंदर फंटस OS 10 इंस्टॉल हुआ है या नहीं, आप मेरे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर आप लोगों ने सिस्टम अपडेट तो फंटस OS 10। लेकिन गाइस एक्सेस में आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ UI का तरह काम करेगा, ना कि आपके हार्डवेयर से ये होने वाला है। ठीक है, तो आप मेरे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर किसी को दिखाना है कि मेरे फ़ोन के अंदर फंटस OS 10 है कि नहीं, आप दिखा सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच।